तो भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो वन पीस चैप्टर 1109 के फुल स्पॉयलर्स रिलीज़ हो चुके हैं जिसकी वजह से हमें पता चल चुका है कि डॉक्टर वेगापंक ने जो प्री रिकॉर्डेड मैसेज रखा था वो बहुत साल पहले एक्चुअली रिकॉर्ड किया हुआ था क्योंकि उस मैसेज में शाका और कुछ अदर सैटेलाइट्स भी आ जाता है जिससे हम डिड्यूस कर सकते हैं कि ये मैसेज बहुत सालों पहले रिकॉर्ड किया गया था एंड दिस वॉज ऑल प्री प्लैंड फिर उसके बाद में हमें पता चलता है कि डॉक्टर वेगापंक ने यह मैसेज इस तरह से प्रोग्राम किया है कि जैसे ही ये मैसेज ब्रॉडकास्ट होना दुनिया भर में स्टार्ट हो जाए सबके सब

फिर या फिर जो स्क्रीन है वो ऑन कर लो रेडी कर लो मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज बताने वाला हूं लेकिन वैसा एक्चुअली में नहीं होता इन फुल स्पॉयर में ऐसे बताया गया है कि शाखा एक्चुअली में वीडियो में आके बोलती है कि आपके पास कुछ दस मिनट का टाइम है जल्दी से जल्दी अपने ट्रांसपॉन्डर स्नेल्स या फिर जो जो आपके पास भी स्क्रीन्स है वो रेडी कर लो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आने वाला है या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास या फिर गोरोसई के पास और मरीन्स के पास कुछ दस मिनट का टाइम है जिसके अंदर ही इनको ये मैसेज ब्रॉडकास्ट होने से पहले है, रोकना है वरना उनके लिए ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है फिर नेक्स्ट सीन में हमें नामी और उसोपो दिखता है जहाँ पर वो दोनों भी वेगापंक का मैसेज देख रहे होते हैं और वो देख के दोनों कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वेगापंक एक्चुअली कर क्या रहा है और कहाँ पर है वो और ये कौन सा मैसेज वो बताने वाला है क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि स्टैप वो तो कुछ दूसरी जगह पे है उनका कुछ अलग है फिर लोग की सिचुएशन भी लेकिन वो वैसा कुछ नहीं होता क्योंकि डायरेक्टली सीन आगे बढ़ता है लूफी की तरफ जहाँ पर वो अभी भी सैटन और किजारो के साथ फाइट कर रहा होता है जैसे की हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि एक हाथ में लूफी ने सैटन को पकड़ा है और दूसरी हाथ में किजार और और उसी समय सैटन अचानक से जो चार दूसरे ही है, उनसे बात करने लगता है, with the help of his powers. और फिर वो चार से ही दूसरी जगह से इस सैटन को पूछते है कि काम कर दिया है, कि नहीं। फिर उस पे सैटन करता है कि शायद ही डॉक्टर वेगापंक मर गया है क्योंकि मैंने देखा है कि किस तरह से उसको मारा किस तरह से उसने स्टैप किया तो शायद ही वो मर गया होगा तो ये सुन के बाकी के चार गोरों से ही बोलते हैं कि शायद अगर डॉक्टर वेगापंक मर गया होगा तो उसके वजह से ही ये मैसेज ब्रॉडकास्ट होना स्टार्ट हो गया होगा क्योंकि शायद ही उसने ये सब चीज़ें पहले ही प्लान करके रखी होगी कि अगर मैं मर गया तो ये मैसेज अपने आप ब्रॉडकास्ट हो जाए तो उसकी वजह से ये सब चीज़ें अभी हो रही है सो प्रोबेबली वेगापंक इज़ डेड ऐसे गौरव से ही बोलते हैं लेकिन हमें कन्फर्मेशन नहीं मिला है कि वेगापंक सच में मर गया है या नहीं मुझे पर्सनली तो लगता है नहीं मरा होगा क्योंकि ही इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऐसे वो मरना नहीं चाहिए विद जस्ट वन स्टैप उसकी डेथ जब होगी तब डेफिनेटली पूरा माहौल इमोशनल हो जाएगा उसके पहले एक बिल्डअप आएगा ऐसे ही डिरेक्टली कोई कैरेक्टर मरता नहीं है वन पीस में इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फिर ऐसा भी पता चलता है कि ये जो मैसेज ब्रॉडकास्ट हो रहा है वो लोबो फेस से हो रहा है फिर नेक्स्ट सीन में हमें दुनिया भर के लोग दिखने लगते हैं जो कि अपने अपने ट्रांसपोंडर्स, स्नेल्स और स्क्रीन रेडी कर रहे होते हैं ये मैसेज सुनने के लिए यह मैसेज देखने के लिए इस सीन में हमें रेबेका कायरोस लियो ड्रेसोरा वाला, बिग न्यूज मॉर्गन वीवी वेपोल और उसी के साथ आइसबर्ग जो कि वाटर सेवन से है वो भी हमें दिखता है ये वेगाप का मैसेज देखते हुए चलो ये बात तो हो गई कुछ अन कैरेक्टर के बारे में लेकिन नेक्स्ट सीन में हमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर सेम मैसेज देखते हुए दिखते हैं जो कि है अपने ड्रैगन और इवेंकॉन जो कि काम्बा का क्विंडम में छुपे हुए हैं और बहुत सारे कैरेक्टर्स हमें दिखने लगते हैं दुनिया भर से जिनके नाम भी हमें पता नहीं है सो प्रोबेबली दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फिर हमारी स्टोरी वापस से एक हेड आईलैंड पर शिफ्ट हो जाती है जहां पर लूफी एक बड़ी सोच में पड़ जाता है कि भाई इसको मैं इतना मार रहा हूं सैटन को इतना मार रहा हूं फिर भी वो कुछ डैमेज क्यों नहीं ले रहा उसको कुछ हो क्यों नहीं रहा और जैसे कि हमें पता है कि लूफी ने सैटन और किजारू को एक एक हाथ में पकड़ा हुआ है उसी वक्त किज़ारू एक हाथ अपना छुड़ा के एक लेज़र भी मारता है लूफी की तरफ जो कि वो डॉच कर लेता है साइड में होके, लेकिन उसी वक्त लूफी को एक आइडिया आती है और लूफी दोनों को एक एक हाथ में पकड़ा हुआ होता है वैसे ही लेकर एक दूसरे पे पटक देता है और उसको अटैक को एक नाम भी देता है जिसको बोला जाता है गोमू गोमुनो डॉन सिम्बॉल और जैसे कि हमें पता है लूफी अपना गियर पाए में है सो उसके कांटेक्ट में जो जो चीज़ें आती है या फिर जो जो, जो लोग आते हैं वो भी उसके जैसे ही रबरी या फिर कार्टूनिश हो जाते हैं और उसकी के वजह से जब लूफी गिजारू और सैटन को एक दूसरे पर पटकता है वो एकदम कागज जैसे पतले हो जाते हैं और उनके साइड में दिमाग के साइड में ऐसे स्टार्स भी दिखने लगते हैं घूमते हुए है। जैसे हम बचपन में कार्टून में देखते थे और उनको पटकने के बाद लूफी दोनों को पकड़ के ऐसे गोल गोल घुमाता है और समंदर में फेंक देता है लेकिन वो दोनों समुद्र तक पहुंचते ही नहीं है क्योंकि किजारू जो जाता है वो डायरेक्टली जाके गिरता है बैटल शिप में और नीचे सो के ऑलमोस्ट रोने ही लगता है कि बोलता है भाई मैं इस बच्चे से हार गया आज और दूसरी तरफ जो अपना सैटन होता है वो लूफी जिस स्पीड से उसको फेंकता है ना बाहर उसी स्पीड से वो वापस आके लूफी पर अपने पैर से अटैक कर लेता है लूफी वापस से वो अटैक से बच जाता है लेकिन इस बार वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है देखिए कि सैटन को वापस से कुछ नहीं हुआ मैंने इतना किया उसको इतना पीटा फेंक दिया फिर भी उसको खरोश तक नहीं आई वो वैसे के वैसे वापस आ गया मेरे पे अटैक करने के लिए तो उसके वजह से लूफी थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और उसी समय वापस से वो जो चार गोरों से ही बैठे हुए होते हैं मैरिज में प्रबेबली तो वो वापस से आके सै सैटन को कॉन्टैक्ट करते हैं उनके टलीपति पावर के साथ ये अभी तक पता नहीं है कि वो एक्चुअली कौन सी पावर है किसके पास है लेकिन ऐसा लगता है कि उनके पास कुछ एक टेलीपैथी वाली पावर है जिसके वजह से वो एक दूसरे से कहीं पर भी होके कांटेक्ट कर सकते हैं तो वो दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट करके वापस से बोलने लगते हैं कि अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि 10 मिनट में ऑलमोस्ट अभी वेगाप का मैसेज रिलीज होने वाला है ब्रॉडकास्ट होने वाला है दुनिया भर में उससे पहले हमें यह रोकना पड़ेगा उसके वजह से फिर सैटन बोलता है कि आई हैव एन आइडिया और वो चारों गोर को वहाँ पे समॉन कर लेता है वो जमीन पर हाथ रखता है और कुछ ऐसे चार मैजिकल सर्कल्स बनाता है जिससे काले फ्लेम्स आने लगते हैं और उनमें से कुछ लोग ऐसे दिखते हैं उभर के आते हुए नो की मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि ऐसे पाची के पाची गोरू से ही एक जगह पे आ सकते हैं दिस इज़ नॉट वेरी मच पॉसिबल ऐसा मैंने लास्ट वीडियो में बोला था लेकिन ये फुल स्पॉयलर्स पढ़ के ऐसा लग रहा है कि सच में यहाँ पे पाँच के पाँच गोरों से ही आने वाले हैं और लूफी से फाइट करने वाले हैं। लेकिन वो एक्चुअली में गोरों से ही है या फिर उनके क्लोन्स है वो हमें पता नहीं है ये सब चीज़ें लूफी तो वहीं पर खड़े रह के देख ही रहा होता है वो चार मैजिकल सर्कल्स से चार जन ऊपर आते हुए लेकिन उसी के साथ साझी वेगाप की बॉडी लेके भाग रहा होता है वो भी ये चीज़ देख लेता है और उसको याद आता है कि अरे हाँ सैटन जब इस आइलैंड पे आया था एगेड आइलैंड पे आया था तभी ये सेम सिनेरियो हुआ था मतलब दे आर प्रोबेबली हियर एंड नेक्स्ट चैप्टर इज नॉट गोइंग टू बी इन द नेक्स्ट वीक अगले वीक में एक ब्रेक होने वाला है वन पीस के चैप्टर्स का सो वी विल हैव टू वेट फॉर टू वीक्स फॉर द नेक्स्ट चैप्टर और बस यहीं पे ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है आपको क्या लगता है इस चैप्टर के बारे में मेक श्योर टू कॉमेंट योर थॉट्स इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना मेरे यूट्यूब चैनल को बिकॉज आई पोस्ट डेली एनिमे एंड मांगा रिलेटेड कॉन्टेंट्स एंड अपडेट्स लाइक दस और बस आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में सायोनारा